ना इसको डिवाइड कर देते हैं ऐसा बोलते हैं कोस स्क्वायर वाई को एल एच एस में लेके आ जाते हैं तो इक्वेशन मनता वन अपॉन कोस स्क्वायर वाई डीवाई बाई डी एक्स प्लस एक्स साइन टू वाई जो है इसका फॉर्मूला होता है ना तो इसको फॉर्मूला लगा देते हैं टू साइन वाई कोस वाई यही होता है ठीक है और आर एच एस में जो कोस स्क्वायर वाई था वो आप एल एच एस में लेके आए थे तो यहाँ भी डिवाइड होगा आर एच एस में क्या रहा एक्स क्यूब रहा केवल ठीक है अब देखें वन अपॉन कोर्स स्क्वायर तो वन अपॉन कोर्स होता है सेक तो ये सेक स्क्वायर वाई हो गया सेक स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस यहां देखें एक कोर्स से एक कोर्स कैंसिल हो जाता है आपके पास साइन अपॉन कोर्स जो है वो टेन बन जाता है तो ये बना कंप्लीट टू एक्स है ना टू एक्स और साइन अपॉन कोर्स तो साइन अपॉन कोर्स क्या हो गया टेन हो गया तो टेन वाई बन गया क्लियर अब देखें हम इसको सॉल्व करने के लिए सब्सटीट्यूशन लगाते हैं तो हमने पुट किया टेन वाई जो है इसको वी एक नया वेरिएबल पुट किया इसका डिफ्रेंशिएशन होगा सेक स्क्वायर वाई डीवाई बाई डीएक्स है ना एक्स के रेस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे यही होगा आरएचएस में आएगा डी वी बाई डीएक्स क्लियर इस सब्सटीट्यूशन को हम इस इक्वेशन में अप्लाई कर देते हैं तो इक्वेशन कैसा बनेगा देखें सेक स्क्वायर वाई डीवाई बाई डीएक्स तो हो गया डी वी बाई डीएक्स प्लस टू एक्स टेन वाई जो है वो वी बन गया और आगे चमें चल रहा है एक्स क्यू तो ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है ये इक्वेशन v में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ठीक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एल डी इन वी जिसका फॉर्म हमारे पास क्या होता है डी वी बाई डी एक्स प्लस पी इन टू वी इक्वल टू क्यू जिसमें पी और क्यू आपके पास एक्स के फंक्शन या कॉन्स्टेंट होने चाहिए तो यहां पर पी और क्यू एक्स के फंक्शन चल रहे हैं क्लियर इसके बाद हम क्या करते हैं ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आई है, है ना आपके पास इस लीनियर इक्वेशन या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं क्या करता हूँ इक्वेशन नंबर वन दे देता हूँ ठीक है तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपके पास है इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड किया करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता e तो e तो है ई पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स तो ई पावर टू तो कॉन्स्टेंट है एक्स का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो यह आएगा गए एक्स स्क्वायर बाई टू टू से टू कैंसिल हो गया तो ई पावर एक्स स्क्वायर ये आपके पास यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ रहा अब हम बात करते हैं जो इक्वेशन नंबर वन थी उसके सोल्यूशन की ठीक है तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन का फॉर्मूला होता है आपके पास देखो किस में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है वी में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो बनी है ये वाली इक्वेशन बनी है इसको आप इक्वेशन नंबर टू दे दो है ना ये जो इक्वेशन आई है ये तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूसिबल मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट होने वाली इक्वेशन थी ठीक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो ये बनी है ना सेकंड वाली किस में वी में तो इसके सोल्यूशन की हम बात कर रहे हैं ठीक है इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर लिया आपने अब आप सोल्यूशन देख रहे हैं इक्वेशन नंबर टू का तो इसका फॉर्मूला होता है वी इंटू इंटीगेटिंग फैक्टर तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ई पावर एक्स स्क्वायर ठीक है और साथ में वी तो मल्टीप्लाई कर ही रखा है हमने तो वी इंटू इंटीगेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीगेशन क्यू इंटू तो क्यू है एक्स क्यू इंटू इंटीगेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस आर्बिट्री कॉन्स्टेंट यह आपके पास फॉर्मूला होता है ठीक है तो फार्मूला में वैल्यू भी पुट कर लिया आपने अब एल जो है इसमें वी की वैल्यू रख दें आप क्योंकि आंसर तो एक्स वाई में देना पड़ेगा वी तो आप खुद लेकर आए तो वी की वैल्यू है टेन वाई तो टेन वाई ई पावर एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर में देखें इसका इंटीग्रेशन करना है तो हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर को यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे एक नए वेरिएबल से तो मैं क्या करता हूँ इस एक्स क्यूब को भी ब्रेक कर लेता हूँ एक्स स्क्वायर इन टू एक्स में और ई पावर एक्स स्क्वायर एज इज चलें ठीक है अब यहाँ पर हम सोल्यूशन देख लेते हैं ये आर में जो इंटीग्रेशन पार्ट है केवल इसका बाकी तो सॉल्व हो ही गया ठीक है तो इसको सोल्व करने के लिए आपने सब्सटीट्यूट किया एक्स स्क्वायर को हम ले लेते हैं टी इसका डिफ्रेंशिएशन करूंगा मैं तो टू एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी आएगा ये सब्सटीट्यूशन आप इसमें अप्लाई कर दो ये सब्सटीट्यूशन इसमें अप्लाई करते हैं तो क्या बनता है आर में वो देखें एल तो एज इट इज रहेगा आर में देखें आप एक्स स्क्वायर तो हो गया टी ई पावर एक्स स्क्वायर तो ई पावर टी हो गया और बचा आपके पास क्या एक्सडीएक्स तो देखो यहां पर एक्सडीएक्स की वैल्यू क्या आ रही है की वैल्यू आ रही है तो और ये तो तो है बाहर लिख लेते हैं प्लस आर्बिट्री कॉन्स्टेंट ही रहा है ठीक है इसको हम इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे तो आपके पास फर्स्ट इंटू सेकेंड है ना इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में हम क्या करते हैं फार्मूला जो होता है हमारे पास फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ठीक है तो फर्स्ट क्या है आपके पास फर्स्ट है टी इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ई पावर टी का इंटीग्रेशन ई पावर टी माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड होल इंटीग्रेशन ये फॉर्मूला होता है क्लियर फॉर्मूला फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड होल इंटीग्रेशन ये फॉर्मूला आपने यहाँ पर अप्लाई कर दिया तो वन बाई टू ठीक है टी इंटू ई पावर टी माइनस ई पावर टी का इंटीग्रेशन ई पावर टी हो गया प्लस सी क्लियर अब देखें आप यहां पे आपके पास वन बाई टू ई पावर टी कॉमन आ रहा है तो ई पावर टी कॉमन ले लें रिमेनिंग पार्ट है टी माइनस वन प्लस टी की वैल्यू भी पुट कर देते हैं और जो एल एच एस आपके पास चल रहा था वो भी हम नोट कर लेते हैं तो एल एच एस चल रहा था टेन वाई के साथ ई पावर एक्स स्क्वायर आरएचएस में वन बाई टू चल रहा है ई पावर टी टी देखें आप तो टी है एक्स स्क्वायर तो ई पावर एक्स स्क्वायर फिर t की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस सी क्लियर यहाँ मैं क्या करता हूँ ये जो e पावर एक्स स्क्वायर है ना इसको आरएचएस में ले जाता हूँ तो एल एच एस में बचा मेरे पास टेन वाई इक्वल टू वन बाई टू एक्स स्क्वायर माइनस वन और साथ में देखो c अपन e पावर एक्स स्क्वायर आएगा तो ऊपर जाएगा तो कितना बन जाएगा c इन टू ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर यही बनेगा क्लियर तो यही क्या होगा हमारा फाइनल आंसर होगा क्लास सिक्स ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर